हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे एक्सेल के अंदर डीए एंड एचआरए को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, और एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराए का भाड़ा। तो यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये यहाँ पर इनके नेम दिए हुए हैं और यहाँ पर इनकी सैलरी दी हुई है। तो हमें जो एचआरए निकालना होता है वो सैलरी के अंदर से निकालना होता है। 5%, 10%, 15%, 20%, जो भी हमें निकालना हो वो हम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैं निकालता हूँ यहाँ पर 20%, तो यहाँ पर मैंने 20% डाल दिया। अब सबका मुझे 20% निकालना है, तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर इनका टोटल निकालता हूँ। सबसे पहले इसके लिए इज इक्वल टू लगाता हूँ। अब यहाँ पर अपनी सैलरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल का साइन लगाता हूँ। इसके बाद कितना निकालना है, 20%, तो 20% को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एंटर मार देता हूँ। ये देखिए मेरा जो 15,000 का 20% होगा वो होगा 3,000 रुपये। तो अब सबका निकालने के लिए मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए मेरा जो एचआरए कैलकुलेट हो गया, 15% ओ 20%, 15,000 का बनेगा 3,000 रुपये, 14,000 का 20%, 2,800। इस तरह से सभी का इसने दे दिया। तो इस तरह से हम एचआरए को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीए की। जिस तरह से हमने एचआरए को कैलकुलेट किया है उसी तरह से हम डीए को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 15%, और अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि मुझे सभी का 15% निकालना है। अब यहाँ पर वही प्रोसीजर सेम, इज इक्वल टू मेरी सैलरी 15,000 है, मल्टीपल का साइन एंड 15%, और एंटर मार देता हूँ। जो 15% का मेरा है 2,250 रुपये आ गया। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम डीए और एचआरए दोनों ही निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की। तो जैसे कि यहाँ पर एक टेबल है, इसके अंदर एचआरए निकालना है। एचआरए और डीए दोनों सेम मेथड होगा। यहाँ पर जो है नेम दिया है, सैलरी दी है, एचआरए दिया है। उसके अंदर क्या था, मैंने 20% सबका अलग अलग लिखा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 20% सबका अलग अलग लिखा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 20% नहीं लिखा, यहाँ पर जो है 20% मैंने ऊपर लिख दिया है। तो मुझे सबका इसी में से निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ। इज इक्वल टू के बाद सैलरी को सेलेक्ट करता हूँ, अपनी मल्टीपल का साइन लगाता हूँ और 20% को सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एंटर मार देता हूँ। ये देखिए मेरा आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद ये देखिए जो मेरी सेकंड रो है इसका गगन का नहीं आया। यहाँ पर आता है हैज़ वैल्यू, इसका मतलब है कि हमारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो हमें प्रॉब्लम जाननी है तो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एचआरए निकाला था 3,000, इसके ऊपर दो बार क्लिक कर देते हैं अपने। ये देखिए यहाँ पर जो है E6 वैल्यू दे रहा है। E6 मेरा ये था 15,000, और यहाँ पर जो दे रहा है F4 यानी कि ये। जब हम इस अपनी किसी भी कॉलम या रो को ड्रैग करते हैं तो हमारी इस तरह सीरियल वाइज चलती है, जब जाके हमारा आंसर निकलता है। मगर इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, मैंने इसको तो कर लिया मगर जब मैंने इसको ड्रैग करा तो बीच में ये HRA आ गया, यानी कि अल्फ़ाबेट डिस्प्ले हो रहा है मेरा। तो उसको इसने कैलकुलेट कर लिया, जो इसलिए इसने आंसर फॉल्स बता दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने इस फॉर्मूले के बाद जो मल्टीपल का साइन होता है, इससे के बाद हम एक डॉलर का साइन लगा देते हैं। ये देखिए एक डॉलर का साइन हम इसके बाद लगा देते हैं। ये देखिए लगा दिया। लगाने के बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम इसे फिर से ड्रैग करते हैं। ये देखिए मेरा जो है सबका एचआरए अब आसानी से कैलकुलेट हो गया। जब हमारे सामने इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तब हम डॉलर के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। तो
जिस तरह से हमने इसमें एचआरए को कैलकुलेट किया, इसी तरह से हम डीए को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।